नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा। आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार वाले 40% के बयान पर घेरा। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है कि उनकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि अपने बयान से प्रधानमंत्री ने कर्नाटक आने और वोट मांगने का नैतिक अधिकार भी खो दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आज कह दिया है कि सत्ता प्राप्ति के लिए वो तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री के आगे भी बिछ जाएंगे और वो राउडी शीटर फाइटर रवि के आगे भी झुककर नमस्कार करेंगे, किसी तरह से वोट मिल जाए। प्रधानमंत्री जी ने आज कर्नाटक आने का और कर्नाटक के लोगों से मत मांगने का नैतिक अधिकार खो दिया है। क्या ये सच नहीं कि श्री ईश्वरप्पा को बतौर मंत्री के इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि भाजपा के नेता संतोष पाटिल ने उन पर और उनके सहयोगियों पर 40% कमीशन की रिश्वत का आरोप लगाकर सुइसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की थी, इसीलिए ईश्वरप्पा जी को बर्खास्त किया गया था और दरकिनार किया गया था। प्रधानमंत्री ने संतोष पाटिल की बेवा से बात तो की नहीं, प्रधानमंत्री संतोष पाटिल के घर तो गए नहीं, प्रधानमंत्री ने उनके बेटा बेटी या भाई या पिता से बात तो की नहीं। प्रधानमंत्री उनको मना रहे हैं, उनके आगे पलक पावड़े बिछा रहे हैं जिसको 40% कमीशन के आरोप में बर्खास्त किया गया था। उन्होंने आज सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर की बात को साबित कर दिया कि मोदी जी को करप्शन से परहेज नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में लगातार ट्रेनें रद्द होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियों में सभी को यात्राएं करनी होती हैं, लेकिन ट्रेनें रद्द होने से सभी परेशान हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले ट्रेन एक्सीडेंट होता था तो मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, लेकिन अभी कई दिनों से ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं, लेकिन रेल मंत्री कोई जवाब नहीं देते। एक एक्सीडेंट में मंत्री इस्तीफा दे देते थे, यहाँ ट्रेनें रद्द हो रही, महीनों से रद्द हो रही है, और गर्मी के दिन में जब बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं तो सब परिवार के लोग रिश्तेदारों के यहाँ भ्रमण करने सब जाते हैं, ऐसे समय में ट्रेनों का रद्द होना और सैकड़ों यात्रियों को जानकारी भी नहीं होना और प्लेटफॉर्म में सब बैठे हैं भीषण गर्मी में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसको रेल मंत्री को ध्यान संज्ञान में लेना चाहिए। आदिवासी समाज के सम्मेलन में कसडोल पहुंचे छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आदिवासी समाज के भवन के लिए जमीन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सभी समाज को सामाजिक भवन के लिए जमीन देगी। मेरे को कसडोल में हम लोग को जमीन देना आदिवासी भवन, मैं तहसीलदार साहब को ई मंच में बुला के उसको बोला हूँ, आवेदन देंगे और हमारा सरकार माननीय भूपेश बघेल का सरकार हर समाज को, चाहे साहू हो आदिवासी हो कोई भी वर्ग, अगर जमीन देगा पट्टा देगा, अनेक समाज को पैसा दे रहा है उनको भी देंगे। आज घोषणा करके जा रहा हूँ और पट्टा जल्दी बनेंगे। हमारा विधायक यहाँ पर जुजारू विधायक है, उनके पास आएंगे, हम मुख्यमंत्री से उस भवन का पैसा भी दिलाएंगे। आदिवासी सम्मेलन में विधायक शकुंतला साहू, विधायक के ध्रुव भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मंत्री लखमा द्वारा आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण भी किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय और गोबर खरीदी का खुलासा आम आदमी पार्टी करने वाली है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि हमारी पार्टी ने प्रदेश भर के गौठानों में जाकर सच्चाई का पता लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार गोबर खरीदी से लखपति बनने का विज्ञापन तो जरूर बनवा रही है, लेकिन लखपति कोई नहीं बना। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गोबर खरीदी की सच्चाई जल्द ही जनता के सामने होगी। सरकार को विज्ञापन दिखा दिया, आप लोग देखे होंगे कि एक नौजवान रहता है वो बेरोजगार रहता है, रिश्ते उसको उसके लिए रिश्ते के लिए जब जाते हैं तो लड़की बोलते हैं कि नहीं आप स्कूटी खरीदने लायक रहोगे तब मैं आपसे शादी करूँगी, फिर वो तगाड़ी पकड़ता है, गोबर पीने चला जाता है और उसके बाद वो
बहुत पैसे कमा लेता है उसकी शादी होती है। इस तरह से जो भ्रम प्रदेश की सरकार चला रही है, जबकि सच्चाई कुछ भी नहीं है। आज गोबर बेच के कोई लाखों रुपये नहीं कमाया। बस्तर के सातों जिलों में बस्तर जन विकास समिति नामक संस्था ने ऑक्सीजन मशीन प्रदान करने की ठानी है। इसकी शुरुआत उन्होंने दंतेवाड़ा में 4 मशीनें प्रदान करके की हैं। संस्था की सदस्य बबीता पांडे ने बताया कि उनकी संस्था की एक सदस्य की मृत्यु कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई थी, इसलिए उनकी संस्था ने उनकी स्मृति में ये बीड़ा उठाया है। ये पूरे बस्तर संभाग में सभी जिलों को दिया गया है और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि मतलब और लोग इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं जिसको इसकी जरूरत है, इसके अभाव में लोगों का जान जाता है, तो इसलिए मतलब इसमें उपयोग हो सके इसलिए। कर्नाटक चुनाव में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का मॉडल वहां की जनता के बीच रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश समेत विदेशों में भी है, इसलिए कर्नाटक में भी इसे प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस का मॉडल है वो तो पूरे देश भर में चर्चा में है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उस सब के लिए योजनाएं बनी हैं, तो उसकी चर्चा तो पूरे देश भर में और देश के बाहर भी है। तो कर्नाटक में जाएंगे तो वही बात होगी जो हम लोग छत्तीसगढ़ में किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश प्रशासन और गौठान समितियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि पानी, चारा और शेड की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए क्योंकि भीषण गर्मी में इसकी जरूरत सभी को होती है। चारा, पानी और शेड ये प्रमुख चीज़ें हैं और हम लोगों ने बनाया उस प्रकार से है, अब उसको सुनिश्चित करें। जहाँ मान लो पंप खराब हो गए हैं तो संधारण कर दें, पानी मिलना चाहिए। भाई इंसानों को भी पानी मिलना चाहिए तो पशु पक्षियों को भी पानी की व्यवस्था होना चाहिए, चारा पानी की व्यवस्था होना चाहिए, उस मामले में हमने निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर और सरगुजा में शराबबंदी नहीं की जाएगी क्योंकि वहां की संस्कृति में शराब का एक अलग स्थान है, देवी देवताओं की पूजा में शराब का उपयोग किया जाता है, बाकी स्थानों पर इसे बंद कराने को लेकर कवायद जारी है। मंत्री लखमा ने कहा कि कोरोना काल में शराबबंदी से जनहानि हुई थी, इसलिए इसे लेकर जल्दबाजी उचित नहीं है। हमारा सरकार इसको गंभीरता से ले रहा है, बंद करना है कि नहीं करना है, लेकिन हम लोगों तो बस्तर में सरगुजा में देवी हो, देवता हो, शादी हो, ब्याह हो, बिना दारू से नहीं होता है, उधर तो बंद नहीं होगा। और इधर कैसा होगा हमारा पार्टी तय करेगी, उसी हिसाब से लेंगे। लगभग हमारा फसला है, जब कोरोना समय 2 महीना दारू बंद था, बिलासपुर में 6 लोग मरे, तुम्हारा रायपुर में जो मरे दूसरा दवाई पीकर, तो इसलिए इसका उचित जो भी होगा उसको निर्णय करने में जल्दीबाजी होगा, नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित सरकार के आरक्षण बिल को राज्यपाल द्वारा लौटाने की खबरें दिन भर चलती रहीं, जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने साफ किया कि बिल लौटाने का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आरक्षण बिल अभी भी विचाराधीन है, जिस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए। जो हमने अभी प्रस्ताव दिया हुआ है उसको कोई आधार बनाए, पुराने आरक्षण को आधार बनाए, मध्य प्रदेश के आधार पर माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसको आधार बनाए, पुराना आरक्षण जो लागू था छत्तीसगढ़ में उसको आरक्षण बनाए, या छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा पारित जो आरक्षण है उस प्रतिशत को आधार बनाए, ये अभी हमारे सामने विचाराधीन प्रश्न है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News24 YouTube चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।